मैं हूं सौरभ, सोनिम टाइम्स में आपका स्वागत है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव पुलिस हिरासत में हैं और स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण फिलहाल वह इलाजरत हैं। ऐसे में दरभंगा में पुरुष कार्यकर्ताओं के साथ साथ जाप की महिला कार्यकर्ता ने भी बाल मुंडवाकर पप्पू यादव की रिहाई की मांग की है। महिलाओं को अपने बाल सबसे प्रिय होते हैं और अपने प्रिय बाल मुंडवाकर महिला ने पप्पू यादव की रिहाई के लिए अपने जुनून को दिखाया है और नीतीश सरकार को जमकर कोसा है। सामूहिक मुंडन के उपरांत जाप कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। जाप कार्यकर्ताओं ने सरकार से पप्पू यादव की जल्द रिहाई की मांग की है। ऐसा नहीं करने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं जाप सुप्रीमो के चहेते दरभंगा के मुन्ना खान ने पप्पू यादव को बेवजह गिरफ्तार किया है। ऐसा कहते हुए कहा कि जाप के कार्यकर्ता पप्पू यादव के सेना हैं और ऐसे में पप्पू यादव के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। महिला कार्यकर्ताओं ने बाल मुंडवा कर सरकार को जगाने के लिए यह कदम उठाया है। अब इससे भी सरकार की आंखें नहीं खुलेगी तब आंदोलन को और तेज किया जाएगा। साथ ही जाप कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है यदि सरकार ने पप्पू यादव को जल्द से जल्द रिहा नहीं किया तो वे आत्मदाह करने को विवश हो जाएंगे। राजीव प्रताप रूडी को गिरफ्तार किया जाए और पप्पू यादव को अविलंब रिहा किया जाए, इसलिए कि 32 साल पुराने केस में उनको फंसाया गया है। हम लोग जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक आम जनता के साथ मिलकर आंदोलन आगे भी करेगी। सरकार मर गई है इसीलिए हम लोग जो है सो पप्पू यादव के जो है इसमें बोल रहे हैं। मेरी सरकार मर गई है, निकम्मी है, पप्पू यादव को रिहा किया जाए इसीलिए हम लोग सर मुड़वाए हैं। आगे भी कार्यक्रम करना पड़ेगा, जान देना पड़ेगा तो जान भी दे सकते, आगे जहां तक होगा ले जाएंगे। मतलब आप लोग इसमें जब तक रिहाई नहीं होगी तब तक आप साथ नहीं, तब तक हम लोग जो होगा हम लोग से करते ही रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अस्मा खान। क्या आप जापी जिला महिला अध्यक्ष? निर्लज बिहार सरकार है, ये सुन नहीं रही है, लेकिन इनको सुनना पड़ेगा अंतोगत, क्योंकि पप्पू यादव के हम लोग सिपाही हैं और पप्पू यादव एक सेवक के रूप में बिहार में काम करने का काम करते हैं, ना कि पप्पू यादव कोई राजनीति करते हैं। पप्पू यादव पूरे बिहार में चमड़ी बुखार हो, बाढ़ हो या कोरोना काल हो, हर परिस्थिति में आम जनता के साथ खड़ा होते हैं, हॉस्पिटल हो या शमशान घाट हो।